अजनी पुलिस के अंतर्गत सुयोग नगर में एक बंगले का काम चल रहा है। वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो वहाँ पे काम करता है और वही एक जो टीन का मकान है उसमें रहता है। 2 तारीख को रात को की गया है, 21 यानी 9 PM को उसने अपनी गाड़ी पार्क किया था मोटरसाइकिल, और वो उधर काम कर रहा था। तो सवेरे जब वो उठा तो उसको पता चला कि अपनी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और उसका जो सहकारी है उसका मोबाइल चोरी हुआ है। और फिर उसने अजनी पुलिस में आके रिपोर्ट दर्ज की। उसके रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हमारी जो टीम है PSI आमले पावर और जो पतक है उन्होंने उनका प्रोफेशनल स्किल यूज़ करके और टेक्निकल और कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट के जरिए ये पता चला कि ये जो ऑफेंस है ये साइमन एंथोनी इसने किया है। और फिर साइमन एंथोनी का उन्होंने सर्च शुरू किया तो साइमन एंथोनी शाम के समय एक जगह पे मोटरसाइकिल से जाते वक्त मिला तो उसको पकड़ के ये गुने में ताबे में ले लिया। उसके बाद से जो चोरी किया हुआ मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त हुई। और ये जो आरोपी है ये 2 तारीख को ही सवेरे छूटा था जेल से, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफेंस के 22 गुने दाखिल है, और बाहर आते ही उसने ये गुना किया था और हमने उसको पकड़ लिया है करके वो बरामद किया है, और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उसको MCR कर दिया है। इस पे कुल मिलाकर 32,000 का मुद्देमाल जब्त किया है, और उसी दिन वो छूटा था इसलिए दूसरे गुने में उसका सहभागी होने की चांसेस कम है। फिर भी हम लोग और आगे जांच कर रहे हैं।